रिश्ता लिखेंगे हम नया। रतन, हम सब कब तक ऐसे छिपे रहेंगे? रतन, हमें तो ये भी नहीं पता कि बाहर हमारे बारे में मीडिया या पुलिस वालों को अभी तक पता चला है भी या नहीं। हम ज्यादा देर तक यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, ये जानते हुए कि वो आतंकवादी बेसब्री से हमें ढूंढ रहे हैं। हर एक पल हम मौत की तरफ एक कदम उठा रहे हैं, और यहाँ किसी को भी किसी भी वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हम ज्यादा देर तक भगवान के भरोसे नहीं रह सकते ना, हमें सबको आजाद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। आप समझ रहे हैं नाम क्या कह रहे हैं? दिया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों रतन? बाहर वो आतंकवादी बहुत कम है और हम सबकी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। हम बहुत आसानी से उन सब पर हमला बोल सकते हैं। दिया, बाहर उन आतंकवादियों के पास खतरनाक हथियार है और हमारे पास तो एक माचिस की तिल्ली तक नहीं बची है। बिल्कुल नहीं दिया, हम इतने सारे मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर रतन, हर एक लड़ाई हथियार से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां अकल से भी जीती जा सकती है। इरे को मारने के लिए हम सब मिशन पर निकले थे। अगर अभी इसी वक्त हमने इस पूरे महल को इस बॉम्ब से उड़ा दिया तो हमारे साथ साथ इरेक भी मारा जाएगा और हमें फतेह मिलेगी। अपने मिशन के लिए हम इतनी सी कुर्बानी तो दे सकते हैं। आपकी जिंदगी इन सबसे बहुत ऊपर है बॉस। मेरे पास एक और प्लान है, लेकर आओ। सिलेंडर में पेस्टिसाइड्स हैं। इन्हें अगर हम इस महल के हर कोने में छोड़ देंगे तो इनसे धुआं उठेगा, और जब ये धुआं उन सब तक पहुंचेगा सब खांसने लगेंगे, और फिर दिया कुछ नहीं कर पाएगी। सबका सांस लेना तक भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उन सबके पास बाहर आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। दिया के प्लान को फॉलो करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। क्या से प्लान आपका? इस तरह से हम ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। इस प्लान को फॉलो करके हम आजाद हो सकते हैं। पर ठकरानी सर, आपको नहीं लगता कि आपका ये प्लान बहुत रिस्की है? यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठना और भी ज्यादा रिस्की है। साक्षी भाई साहब, आपको क्या लगता है, वो आतंकवादी हम सबको ढूंढ निकालने का कोई प्लान नहीं बना रहे? नहीं, इससे पहले कि वो हम पर हमला करे हमें उन सब पे हमला करना होगा। ये कह रही सर दिया ठकराने से, पर उन आतंकवादियों के पास जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। दिया, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप वहां नहीं जाएंगे, ये बहुत रिस्की है। मैं जाऊंगा। रतन, आप समझने की कोशिश कीजिए। उस भैरूपिये की परीक्षा लेते लेते हमने उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। उसके छोटे से छोटे हाव भाव को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर हम उसे अपने प्लान में फंसाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसका विश्वास जीते, और वो बहरूपिया कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। वो सब मैं नहीं जानता दिया, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं रतन, हमें जाने दीजिए, आप यही रुकिए और सबका हौसला बनिए। दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यहाँ रुक कर इन सब की ताकत बनिए। मुझे जाने दीजिए उन आतंकवादियों के पास, प्लीज दिया। काकू साहब, देखिए काकू साहब, दिया भाई साहब इज राइट। देखिए, हमें दोनों तरफ से हमला करना होगा, और दिया भाई सही हैं जो उस भैरूपी को कन्विंस कर सकती हैं। रतन प्लीज, आपको हमारी कसम है, आप यही रुकेंगे और हमें जाने देंगे? जो भी बाहर निकले सबको मार दो, दिया को छोड़कर। दिया मुझे जिंदा चाहिए। क्या आप सब हमारे साथ हैं? यहाँ दिया हम सबके लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है, और एक आप लोग हैं। अगर हमने अभी दिया का साथ नहीं दिया ना, तो सबको वैसे भी बुजदिलों की तरह मरना ही होगा।
अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि बुजदिलों की तरह मरना है या फिर इस प्लान में दिया का साथ देना है। निशा, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम भी साथ हैं। और आपका पूरा परिवार तो आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। अब आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, जैसे पिछले 12 सालों तक आपने मुझ पर एक आंच तक नहीं आने दी, उसी तरह आप अपनी जान की भी हिफाजत करेंगी। प्रॉमिस कीजिए मुझे। हाँ रतन, हम वादा करते हैं। हर जगह स्प्रे कर दो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। रुकिए, आप जीत गए। हम एरिक को आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। हम एक शर्त पे एरिक को आपके हवाले करेंगे। हमारी नित्या बुआसा को उनकी दवाई चाहिए, उन्हें अस्थमा है। हमें उनके कमरे में जाके उनका इनहेलर लेना है। हमें हमारे बुआसा का इनहेलर लेने दीजिए और आप एरिक को रख लीजिए। पहले एरिक का पता। एरिक हमारा इकलौता हुकुम का इक्का है। अगर हमने उसका पता आपको दे दिया और आप अपनी बात से मुखर गए तो ठीक है। दिया मत दो, इस धुएं की वजह से सब लोग खास खास कर वैसे ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चला दीजिए। गैस को ऑन करने से सारे लोग बाहर आ जाएंगे सिवाय इरिक के। उसे हमने एक सेपरेट और सेफ जगह पर छिपा रखा है। ठीक है, तुम यहाँ पर हमें इरिक का पता दो और मैं तुम्हारी बुआ के कमरे से इनहेलर मंगाता हूँ। लेकिन अगर तुमने पता नहीं दिया तो हम तुम्हें वो इनहेलर भी नहीं देंगे। ठीक है, हमने इरिक को कहाँ रखा है उसका नक्शा हम आपको बनाकर दे देंगे और बदले में आपने तबुआसा की दवाई मंगवा लीजिए। इस नक्शे के जरिए आप इरिक तक पहुंच सकते हैं। आप ये नक्शा रख लीजिए
और हमें नित्या बुआसा की दवाई दे दीजिए। दिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इस इनहेलर के लिए तुम मुझे गलत नक्शा बनाकर भी दे सकती हो। ठीक है, जाइए, इस नक्शे को फॉलो कीजिए और खुद ही देख लीजिए कि एरिक वहाँ है या नहीं। हम यही रुकते हैं, उसके बाद ही हम नित्या बुआसा की दवाई लेंगे। खुश, मिस्टर जो कोई भी हो। ठीक है, जब तक मैं एरिक को वापस लेकर आता हूँ, तुम सब के सब दिया को बंदी बनाकर रखो, इसे छोड़ना मत। मैप में इस जगह का नाम लिखा नहीं है, लिखो। तुम्हारे रग रग से वाकिफ है, इसलिए तो इतनी आसानी से तुम सब हमारे बिछाए हुए जाल में फंसने को चल पड़े हो। अब ये खोलता हुआ चावल का पानी अपना काम कर जाएगा। तेज तरार बहादुर दिया आज ऐसे भीगी बिल्ली बन के लाचार खड़ी है। अब तक रतन हमला करने के लिए तैयार होंगे। हमारे प्लान के मुताबिक जैसे वो टेररिस्ट इस कमरे के अंदर आएंगे ना, ये गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी उनके ऊपर गिर जाएगा। रेडी? बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? उनका वीडियो कैमरा ऑन कर रहा हूं, इससे कमरे में होने वाली हर हरकत रिकॉर्ड हो जाएगी।
डंडा। काकोसा, मुझे लगता है हमारा प्लान फेल हो गया है। हमें अभी के अभी सेफ रास्ते से बाहर जाना होगा। चलिए। जिसने भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत की है उसे पकड़ के मेरे सामने लाओ। हाँ, क्या हुआ? दिया ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे मारने का इसका ये प्लान था। मुझे किसी भी कीमत पे दिया चाहिए। ठीक है, पकड़ो उसको। दिया भाग गई है। तो तुम वहां पर क्या कर रही हो? उसका पीछा करो। मैं वहीं आ रहा हूं। पूरा हमारा प्लान फेल हो गया। दिया की जान खतरे में, मैं दिया को बचाने के लिए जा रहा हूं। दादा हुकुम, संभाल के। अब ये सब हमारी वजह से, हमारी ढीली अंगूठी की वजह से। आप बस हम उस सीक्रेट पैसेज तक पहुंचे। ढूंढो उसे। यहीं पर है वो। जाओ, लाइट्स बंद कर दो। कहां तक छुपके भागोगी दिया? अब पता चलेगा उस स्प्रे की बदौलत। मैप में इस जगह का नाम लिखा नहीं है। कहाँ जाओगी तुम? इनहेलर नहीं चाहिए। अब दिया हमारे कब्जे में है, मतलब हम सब अपने मिशन के बहुत करीब हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना। हम अपनी जान दे देंगे पर इरिक कहाँ है ये तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.